भाई साहब इसे बोलते हैं गरम चश्मा, आग की तरह तपता हुआ गरम चश्मा। पत्थरों का यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं और यहाँ से देखे कि ऐसे भाप उठ रही है। इतना ज़्यादा गर्म पानी है ना कि टच करे ना तो हाथ जलता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। यहाँ पे खड़ा भी हूँ ना तो जो स्मोक उठ रही है ना उससे इतनी ज़्यादा मुझे हीट फील हो रही है। ये देखें, ये इस पहाड़ के अंदर से रिश्ता हुआ आ रहा है। थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं, तेज़ाब की तरह गर्म पानी। ये देखें, यहाँ पे टच भी नहीं किया जा सकता, मतलब इतना गर्म ज़्यादा पानी है ये। और ये आपको जब आप चलास से आगे आएंगे रायकोट वाली साइड पे, यहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म पानी है। टच करें, जैसे उबलना खोलने वाला पानी हुआ पड़ा है। यहाँ पे अंडे रखें तो अंडे यहाँ पे बॉयल हो जाएं, इतना ज़्यादा गर्म पानी है। और यहाँ पे मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें पत्थर भी इतना ज़्यादा गर्म है। अब ये गर्म चश्मा जो है ये सर्दियों में भी जब यहाँ पे स्नो पड़ रही होती है उस दौरान भी यहाँ पे आपको इसी तरह खौलता हुआ गर्म पानी यहाँ पे मिलेगा। ये देखें इतनी भाप उड़ रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ऊपर से ठंडी हवा है और नीचे से ऐसे गर्म धुआं उठ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक ख़राब रास्ता चला है, उसके बाद दोबारा से फिर से रोड ठीक हो गई है। और जिस दौरान रास्ता ख़राब रहा है वहाँ पे जितने भी पहाड़ों से चश्मे फूट रहे हैं वो सारे के सारे गर्म हैं। तो शायद यही रीज़न है कि रोड पे इतना ज़्यादा गर्म पानी आता है जिसकी वजह से रोड जो है ना वो सही नहीं रहती, टूट फूट जाती है। यहाँ पर ये सारे खुश्क पहाड़ हैं, यहाँ पर जिधर भी आपकी नज़र जाए इतने मतलब ना हज़ारों एकड़ में फैले हुए ये पहाड़ हैं। तो यहाँ पे जो सलाजीत नहीं होती, सलाजीत ताकत के लिए इस्तेमाल होती है, वो यहाँ पे आपको खालस मिल सकती है अगर आप यहाँ से लेना चाहें। अभी चलास जाएंगे, भाई को चाहिए तो ये ख़रीदेगा तो मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा, उसके मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और असली और नकली की पहचान भी उन लोगों से पूछेंगे। तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे स्टे किया, धूप वूप अच्छी निकली हुई थी, सुकून आ गया। ठीक है, घर मेरा इधर फार्म में घर है, बैठने तो बैठो, सुबह जाओ। टाइम हमारे पास कम है ना, काफी दिन हो गया हमें आए हुए यहाँ पे। फौजी में है? नहीं, मैं आर्मी से नहीं, वैसे शर्ट पहनी हुई है। आर्मी का कोई शर्ट पहना? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी। अब यहाँ से दो रोड हो जाती हैं, ये जा रही है चलास की तरफ और ये रोड जा रही है बाबूसर टॉप की तरफ। और इस रोड से अभी हम आए हैं गिलगित से। तो अभी बाबूसर टॉप पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है जिसकी वजह से आगे हम नहीं जा सकते, सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और ऊपर से शाम भी होने वाली है। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे, अभी चलास की तरफ जाएँगे और चलास में क्या सूरत हाल है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी गिलगित या उससे पीछे फील हो रही थी। अभी हम चलास पहुँच चुके हैं, ये चलास का बाज़ार है और यहाँ पे आते ही भाई को शिलाजीत की तलब हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक नंबर भी दूंगा, दो नंबर भी है, तीन नंबर भी है, हर किसी की है। अच्छा जी जी, किसी रेट चिलगोजा भाई, आपको रेट भी अच्छा भी मिलेगा इंशाल्लाह और माल भी अच्छा मिलेगा। ये 450 के हैं और ये 350 के। हमें दिखाएं ना एक नंबर दो नंबर, ये बिल्कुल प्योर नंबर वन सलाजीत। और ये दो नंबर है, इसके बाद यही है, दो नंबर भी नहीं है मगर थोड़ा कुछ फर्क है, हल्का सा हल्का फर्क है। ये 450 रुपए की है ऐसी भाईजान, इतनी वाली यही है, ये दो नंबर है, ये कोई फायदा नहीं है इसकी। ये भी रखी हुई है आपने फिर? ये तो बड़ी ज्यादा हार्ड है। हाँ ये इस तरह की है, ये 200, इसका कोई फायदा नहीं है। ये वैसे कितने की देते हैं आप? ये 200 रुपए की है, इसमें कोई फायदा नहीं है। और ये 450 रुपए, 450 रुपए, इसमें कितना वेट है इसका? यहाँ पर तेरे घंटा तेरे सामने है, लगा दो ऊपर।
या 18 ग्राम लगभग 16 ग्राम दो पैक पैक का फर्क है क्या? ये 20 ग्राम ये सर नहीं ये 18 18 18 18। ये तोती ब्रदर्स ये क्या लिखा हुआ है? ये तोती ब्रदर्स हाँ। अच्छा ये कंपनी है इनकी अलग अलग है ना? अच्छा ये इससे ये हल्की है ऐसे ही? ये इसके हल्की है, हल्की है बिल्कुल। ये 350 रुपये की। अगर हम 5-10 पैक लें जी तो कुछ डिस्काउंट हो सकता है? 5-10 300 रुपये। लेकिन चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए है? गारंटी देता हूँ, अगर कार्ड भी लेने का दुकान का दो नंबर निकले तो माल डिस्चार्ज कर भेजना है, आपको पैसा डबल पहुँच जाएगा आपका वहाँ पर। बस ठीक है, और क्या चाहते हैं? ये चिलगोजा ये कितने? ये रोस्टेड है, इस साल की ताज़ा फ्रेश माल है, और ये 4000 की है। ये नॉर्मल क्वालिटी, ये कच्ची है, ये 2300 रुपये की है। ये कच्चा है? ये कच्चा है, और ये भी कच्ची है, नंबर वन क्वालिटी है, 2300 रुपये। और ये पैक 1 किलो का है? 1 किलो का। यार ये देख मिक्स साइज में, ये नॉर्मल क्वालिटी है ना, इसलिए कह रहा हूँ नॉर्मल क्वालिटी। ये अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी है। ये रोस्टेड है? ये रोस्टेड है। इसमें छोटे भी पैक आपके पास पड़े हैं? छोटे भी पड़े हैं। ये पैक कितने का है? ये 450 रुपये की, 450 नहीं 1100 रुपये की है। यार इसको फिर रोस्ट कैसे करना होता है? रोस्ट अगर आप सिंपल तरीके हैं चिली वाला को दे दो 10-15 मिनट वो बनाए करके दे दो, मुंबली वाले भी करते हैं, खुद घर में भी कर सकते हो, इसकी कोई बड़ी इतनी इशू नहीं है। यार वो जिस तरह चने भूनते हैं जी जी उसी तरह बस सिंपल वही है। रेत गरम करो या वो नमक गरम करो, बस वही है, बस तैयार हो जाएगा। चने तो घर में भूनते ही है, उसी तरह ही कर लेंगे। अल्लाह के बंदे तरीका सीख, देहात में रहते हैं शहरियो। ये नंबर वन क्वालिटी है? नंबर वन क्वालिटी है, इसमें कोई दाना आपको शिकायत नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, 2% या 3%। ये जो पैक आप दिखा रहे हो इससे बड़े भी होते हैं कोई पैक? बड़े यही होते हैं, इससे बड़े नहीं होते। ज्यादा लेनी हो तो? ज्यादा लेने यहाँ से ये पैकेट उठा के ला सकते हो, तो फिर रियायत भी हो जाएगा अगर ज्यादा लेनी हो तो कर लेंगे। यहाँ पे बोरियां जो है ना भरी पड़ी हैं, ये देखें, ये सारा चिलगोजा है, और ये इस सीजन का ही है ना? मंडियापुर शहर में ही है। ये देखें, ये अखरोट है, ये देखें अखरोट, इस साइड पे ये सारा बादाम पड़ा है। अब अच्छे वाला कागजी अखरोट कितने रुपए का? टॉप क्वालिटी आपको मिलेगा 450 रुपये पे फाइनल। अच्छा, जिसके अंदर गिरी भी अच्छी हो जाए और दाना भी अच्छा हो। कौन सा दिखाना? वो सामने वाले, ये वाला। ये कागजी तो नहीं? कागजी नंबर वन। अभी मैं यहाँ पर ये देख रहे क्या ओरिजिनल कागजी भाई ने तोड़ा मुंह से। बस बस रहने दे, मिलते हैं उससे फिर। हेलो कमरा पिछा थे शाम आयो कम आयो हाल पिछा बहुत कमरा किस साइड पे है? इधर है। अच्छा चल फिर चलो ना भाई। ये अभी हम कमरा देखने जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे किस तरह से कमरे की बात तय वह करते हैं। तो देखिए अभी भाई साहब मुझे ले जा रहे हैं अब कमरा दिखाने के लिए। लाइट जनरेटर स्टार्ट करें। वैसे तो यहाँ पे इतनी कोई ठंड नहीं है लेकिन यहाँ पे गर्म पानी मिल जाएगा? गर्म पानी अभी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। वो तो नहीं हो रहा लेकिन हम जो जिस इलाके से आते हैं ना हमें यहाँ पे ठंड लगती है, मसला ये है। पानी नॉर्मल होता है, इतना ठंडा नहीं होता, नॉर्मल दे। अच्छा यहाँ से पानी जो है ये ऊपर चश्मों से आता है या कि ज़मीन से आप निकालते हैं? ये चश्मे पर आता है। हाँ फिर तो बड़ा ज़्यादा ठंडा ही होना है। नहीं नहीं ऐसा ना हो, बिजली आए ही ना। नहीं नहीं क्यों नहीं आएगी,
कमरा ठीक है, बिजली नहीं है, भाई कहते हैं जनरेटर चला देंगे, वाईफाई की सहूलत मौजूद है। वाईफाई की आपके अभी से रेंट 1000 रुपये हमने देना है। जी ले। वन एट जी लीजिए सर। क्या गुंडा बनेगा रे तू, अपने बैग का ख्याल नहीं रख सकता। यकीन कर। थैंक यू। टैगों से मुक्ति हासिल कर ली है, अभी निकले हैं बाहर, थोड़ा घूमते हैं, खाना वाना खाते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे होटल्स मौजूद हैं। यहाँ से दो बंदों से कंफर्म किया है, ये मदीना रेस्टोरेंट यहाँ पे एक मौजूद है। यहाँ पे बता रहे हैं खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन लाइट नहीं है यहाँ पे। चिकन बिरयानी है, चिकन कौरमा है, दाल है, सब्जी है, चिकन कढ़ाई है। एक प्लेट और कर दो। अच्छी है, ज़बरदस्त है, मज़ेदार है, जिंदाबाद है। मैं एक बाइट ले लूँ। खा ले तू। एक बाइट ले लूँ बेटा, ये तेरी है, अब खा तू। मैंने चेक की नहीं किया तो पहले ही मेरी हो गई। फिर रहने दे, इसको हाथ ना लगा। इस बंदे को देखें, सिर्फ इतनी सी बोटी के पीछे ये बंदे का दी दोस्ती छोड़ दी, दीन बदल दिया, ईमान बदल दिया। ये बता यार, कैसा शख्स है तू, यार कैसा शख्स है। मैं बहुत अजीब शख्स। कितना हरामी है तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। चल भाई लोग, अभी लाइट वाइट यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही आपको दिलासे देते हैं, जनरेटर चला देंगे। बस अभी लाइट आ गई, अभी लाइट गई हुई है, अभी लाइट आ जाएगी तो उसके बाद कमरे का आपको रिव्यू देते हैं। बाकी यहाँ पे आप गर्म पानी और इसके अलावा जो कंबल वंबल होते हैं वो चेक कर लें, उनमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। ये कमरे की कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने वाली होती हैं। इसके अलावा वाशरूम में पानी आ रहा है या नहीं, ओए यही है वाशरूम में पानी आ रहा है या नहीं। और किराया जो है वो आप फाइनल कर लें, जितना आप देना चाहते हैं कि भाई इतना हमने किराया देना है। और इसमें बस थोड़ा आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, जैसे आप किसी मार्केट में कोई कपड़ा ख़रीदने जाएं तो वहाँ पे सिस्टम चलता है ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे कमरा किराए पे लेते वक्त भी ये सीन चलता है। 1000 रुपये यहाँ पर नॉर्मली अभी चल रहा है किराया हर जगह पर। अगर कोई VIP अच्छा होटल है तो वहाँ पर 1500-2000, नहीं तो बस 1000 रुपये। तो अभी कमरे की कंडीशन आप लोगों को दिखाएँगे, किराया वराया हमने दे दी है, और आईडी कार्ड जो है वो आप अपना, किसी होटल्स में होता है कि आपने जमा करवाना होता है, और ज़्यादातर होटल्स में क्या होता है कि ज़्यादा, बल्कि जितने भी होटल्स देखे ना, कोई एक दो ही थे जिन्होंने आईडी कार्ड जमा रखा है, नहीं तो वो अपनी डिटेल जो है वो नोट कर लेते हैं, आईडी कार्ड आपको फ़ौरन से वापस कर देते हैं।